जुड़ा पलक तपस्वी का पवित्र रिश्ता हुआ दो जोड़ियों का गठबंधन। फिर आ गया है शादी का मौसम और ऐसे में टीवी की दो बेटियां पराई होकर जा रही हैं अपने ससुराल और इनकी शादी के सारे नज़ारे आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियां। तो सबसे पहले बात पलक और तपस्वी की धमाकेदार शादी की। इंदौर में बड़े ही धूमधाम से पलक और तपस्वी ने रचाया ब्याह। घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे राजा तपस्वी तैयार है अपनी दुल्हनिया ले जाने के लिए। बैंड बाजा बारात में छा गई नच की दीवानगी और इस बारात में तपस्वी के दोस्तों ने भी खूब रंग जमाया, खासकर रोहन जिसने जमकर अपने यार की शादी में नच का तड़का लगाया। Guys, and enjoy and have a happy and a fulfilling married life. We love you. So many, many, many congratulations, Palak or Tapasvi ko. Or I wish them a fantastic life together. And yes, let them live forever together happily. अपने होने वाले पति का इंतजार तो पलक भी बड़ी बेसब्री से कर रही है। लाल जोड़े में 16 श्रृंगार करके पलक तैयार है 7 जन्मों के लिए तपस्वी की होने के लिए। फिर बारी आई जयमाल रस्म की। फिर दूल्हा दुल्हन ने बड़े ही प्यार से एक दूसरे को जयमाला पहनाई। सात फेरों के साथ दोनों ने खाई एक दूसरे के साथ हमेशा साथ निभाने की कसमें और पूरे किए 7 जन्मों के 7 फेरे। गले में मंगलसूत्र और मांग में पिया के नाम का सिंदूर भरकर पलक हमेशा हमेशा के लिए तपस्वी की हो गई और संपन्न हुआ पलक और तपस्वी का शुभ विवाह। वैसे पलक और तपस्वी की शादी में शामिल हुए दोनों के करीबी दोस्त जिन्होंने इस शादी को खूब एंजॉय भी किया और दोनों को दी शादी की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी। मैं ये सजेशन और ये खूब लड़ना क्योंकि वो लड़ने के बाद जब आप एक दूसरे को मनाते हो ना वो एक नॉर्मल प्यारी प्यार वाला दिन अच्छा ही होगा था यू हैड अ नाइस टाइम सुनिए जब वो लड़ने के बाद जो मनाने का जो एक वो फील है ना क्या वो वेरी रोमांटिक। टिप्स में ऐसा है कि प्रत्येक कपल की अपनी अपनी एक जर्नी होती है जो उन्हीं को तय करनी होती है। इट्स ओके टू डिसएग्री सो आई थिंक ये बेसिक है बाकी उनकी जर्नी है आई थिंक वो ठीक ठाक तय कर लेंगे।